बच्चों सभी लोगों का स्वागत है भाई मास्टर्स इन करंट अफेयर में। तो मास्टर्स इन करंट अफेयर में अब हम लोग जल्दी जल्दी से ये देखना शुरू करते हैं कौन लोग आ गए हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई, सभी लोग आ चुके हैं यहाँ पे, गुड मॉर्निंग। और जरा सा मुझे एक कंफर्मेशन आप लोग जरूर कर दें, हमेशा की तरह लाइट ओके, साउंड ओके, माइक ओके, सब कुछ ओके। ठीक है, तो चलो जल्दी से आगे हम लोग इस चीज़ों में जानने की कोशिश करें। ओके, चलो भाई गुड मॉर्निंग। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे लोग जो हैं ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, क्लास ज्वाइन करो, सभी रिक्वेस्ट भी आ रहा है। जल्दी से एक सेशन का लिंक जो है जहां भी आप लोग शेयर कर पाए वहां पे शेयर कर दें। ठीक है, जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए और लिंक शेयर करने के बाद हम लोग जो है सेशन में आगे बढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए आप लोग आई कैन एंड आई विल वाले फंडे पे कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दें। ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग जो है अपने सेशन को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, चलो भाई सभी लोग तैयार, रेडी, ऑलमोस्ट आई थिंक एवरीबडी इज रेडी, वेरी गुड, एंड पार्टिसिपेशन इज ऑलरेडी देयर। स्लोली स्लोली पीपल आर कमिंग, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे सो रहे थे क्या। ठीक है, इट सीम्स दैट पीपल वर स्लीपिंग। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे सेशन इसी के साथ। और चलो तो लेट अस मूव अहेड, गो अहेड। चलो सबसे पहले जो है सेशन में हमारे पास क्या है ये देख लेते हैं। और चलिए गुड, बहुत सही, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग सभी लोग आ गए। चलो आई कैन एंड आई विल का फंडा फिर से मैं बता दूं। आई कैन बताता है कि मेरी क्षमता क्या है एंड आई विल बताता है कि मेरी इच्छा क्या है। ठीक है, तो इन दोनों को जब जोड़ दोगे ना तो जो भी आप टारगेट लेकर चलते हैं वो टारगेट हमेशा आप अचीव कर पाओगे, क्योंकि ये देखो स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ की बात है, बाकी कोई वो नहीं है। ठीक है, मेंटल स्ट्रेंथ की बात है। ठीक है, तो मेंटल स्ट्रेंथ को समझना बहुत, उसको मजबूत करना, मतलब उसको एक तरीके से अलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये अलाइनमेंट अगर आप कर लिए तो बैंक का क्या एग्ज़ाम, आईएएस का क्या एग्ज़ाम, कोई भी टारगेट बस आपने ले लिया तो बस वो टारगेट आप पूरा करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो एकदम टारगेट बनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए बहुत अच्छी बात, तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हाँ जुड़ चुके हैं लोग और हम लोग सेशन को तब स्टार्ट कर सकते हैं अच्छे से। चलो गुड, चलिए तो सेशन स्टार्ट करने से पहले जरा सा मैं यहाँ पे एक रेड कलर का पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलो बहुत अच्छी बात, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, सेशन में एज यूजुअल आप लोग जानते ही हो कि सर इंस्पिरेशनल कोटेशन बताएंगे, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बताएंगे, करंट अफेयर न्यूज, स्टैटिक और फिर एमसीक्यू पे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आज का जो कोटेशन है, देखो कोटेशन एवं ही हम लोग ढूंढते रहते हैं ना, वैसे ही मैंने भी ढूंढा, बट यू नो देर आर सम लाइन्स ऑलवेज दैट इफ यू रीड इट यू विल फाइंड दैट हाँ इसमें कुछ है, दम है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो है यू विल फाइंड योर सेल्फ अ बिट रिचार्ज, और यू से यू फाइंड योर सेल्फ अ बिट यू नो पावरफुल इन वन सेंस। ठीक है, तो थोड़ी सी ताकत मिलती है, थोड़ा सा हम रिचार्ज हो जाते हैं, एनर्जी मिल जाता है, ऐसा लगता है जैसे ग्लूकोज पी लिया हो, तो ऐसी लाइनें होती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बहुत सीधा सा लाइन है, ऑलवेज बिलीव दैट समथिंग वंडरफुल इज अबाउट टू हैपन। ठीक, बहुत एकदम ख्याल, देखो लोग नहीं कहते अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, ये सोचो वो सोचो, कुछ नहीं, सीधा सीधा इतना सोचो कि अभी आगे जो होने वाली चीज़ें हैं वो कुछ ना कुछ अच्छी होने वाली, इस उम्मीद में रहें। और याद रखो जब आप पॉजिटिव सोचते हो ना तो पॉजिटिव एनर्जी ही आप अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जिस दिन आप सोच लेते हो ना कि अरे यार आज लग रहा है लेट हो जाएंगे, तो गारंटी है, ठीक है, अच्छी खासी चलती हुई गाड़ी, ऑटो अच्छी खासी चलती हुई जो है ना पंचर हो जाएगी रास्ते में, याद रखना। इसीलिए हमेशा जो है ख्याल अच्छा रखो, इसीलिए भारतीय संस्कृति में जब लोग घर छोड़कर बाहर निकलते थे तो उन्हें गुड़ मीठा ये सब चीज़ें जो है देकर उनको विदा किया जाता था, उन्हें आशीर्वाद दिया जाता था। ठीक है, आजकल तो पैर छूने वाला कल्चर ही खत्म हो गया। ठीक है, घर वालों के पास लोग जो एक कल्चर जो पहले पनपता था वो कहीं ना कहीं मॉडर्निटी के चक्कर में गायब हो गया। ठीक है, तो वो समझिए इट्स ओनली फॉर मेकिंग योर माइंड टू थिंक पॉजिटिव और अच्छा होगा। एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो पता चला जो मम्मी दौड़ा के जो आपको दही खिला रही हैं, आप सोचते हो ये क्या है यार, व्हाट इज़ दिस। ठीक है, लेकिन उसका फैक्ट आप समझो, दैट इज समथिंग पॉजिटिविटी दे आर ट्राइंग टू इम्पार्ट इन अस, सो दैट वी वुड थिंक पॉजिटिव एंड वी वुड रिजल्ट आउट टू बी पॉजिटिव। ठीक है,
तो हमेशा पॉजिटिव सोचते रहेंगे। क्लियर हो गया सभी को? चलो भाई आगे चलते हैं। एकदम अच्छा सोचो कि हम बेहतर कुछ कर पाएंगे, ठीक है, बेहतर कुछ कर पाएंगे। और सुबह उठते वक्त तो हमेशा अच्छा सोचो भाई, ठीक है। चलिए तो 30 तारीख को स्मॉल इंडस्ट्री डे मनाया गया था, 31 को कोई ऐसा दिवस दिख नहीं रहा, ठीक। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास पहली जो न्यूज़ है उस न्यूज़ में थोड़ा सा एनालाइज कर लें। द इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर वॉज साइंड। इंडिया और सिंगापुर ने साइन किया, ठीक है, साइन किया जो एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट में क्या था? एग्रीमेंट में ये था भाई कि कभी अगर बाढ़, तूफान, ऐसा कोई प्राकृतिक आपदा या कोई भी ऐसी आपदा आती है, ठीक है, हाँ, हम दोनों के राष्ट्र में, तो हम लोग एक दूसरे की जो है उसको मदद करेंगे, हम लोग एक दूसरे की हेल्प आउट करेंगे। जो ये HADR आप देख रहे हो ना, इसका तो पहले फुल फॉर्म याद कर लेना। दूसरी चीज़, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ क्या होता है ये समझ लो। ये इसका मतलब बस इतना सा है कि कोई भी किसी भी प्रकार की आपदा अगर आती है तो हम अगर मदद वहाँ पर लेकर पहुँच रहे हैं तो वो रिलीफ वर्क ही तो कहलाता है। आपको मालूम हुआ सुनामी आई थी, सुनामी में इंडोनेशिया और कई पार्ट जो हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे। वहाँ भारतीय नौसेना जो है वहाँ पहुँची हुई थी उनकी मदद के लिए, ठीक है। तो ऐसी सेवाएं देना। और अगर आप आगे और देखोगे, जैसे पहले तो इसकी जानकारी आप ले लो, फिर आगे मैं बताता हूं इसमें और भी कहानियां क्या है। देखो 14th ये जो मीटिंग थी, ये जो बैठक में आपको दिख रहे हैं साहब लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, ये जो मीटिंग थी ये 14th मीटिंग थी, ठीक है। इंडिया और सिंगापुर जो है वो डिफेंस पॉलिसी पे जो अपनी बैठकें करता रहता है, ठीक है। तो ये 14वीं बैठक थी, 14th बैठक थी, ठीक है। हमारी तरफ से कौन थे भाई साहब? हमारी तरफ से जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी साहब हैं डॉक्टर अजय कुमार, वो वहाँ पे भारत की तरफ से बैठे हुए थे। और उनकी तरफ से जो है डिफेंस के जो सेक्रेटरी हैं सिंगापुर के, मिस्टर चैन हिंग की, ठीक है, चांग हिंग की जो है वो उनकी तरफ से बैठे हुए थे, ठीक है। आपको मालूम है सिंगापुर जो है वो एक मतलब अपने आप में सिटी स्टेट है, ठीक है। सिटी स्टेट का मतलब ये है कि वो शहर भी है और वही राष्ट्र भी है, ठीक है। तो कैपिटल वहाँ की क्या है? सिंगापुर ही है। प्रेसिडेंट हलीमा याकूब और प्राइम मिनिस्टर ली हिन सुंग लास्ट 4 ईयर से जो है जीतते चले आ रहे हैं, ठीक है। सिंगापुर ने IMD का एक वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स आया था, उसमें सिंगापुर नंबर 1 प्लेस पे था। उतने में ही नहीं, जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2019 का इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से आया था, ठीक है, इंटेलिजेंट यूनिट इकोनॉमिक टाइम्स, तो उसमें से जो है उसमें भी नंबर 1 पोजीशन पे था, ठीक है। इन दोनों जो दो रैंक दोनों जो आए थे, जिसमें अगर आप बात करो इंडिया के जो वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स वाली की बात करोगे आप, तो उसमें इंडिया का रैंक जो था वो 42nd प्लेस पे था, ठीक है। भारत किसने पे था? 42वें प्लेस पे था। क्लियर हो गया? इतनी बात नोट करते रहना, कहानी सुनते रहो ध्यान से एकदम, और हाथ चलाते रहो, ठीक है, हाथ चलाते रहो, कहानी सुनते रहो, चाहे वो रफ पे लिख रहे हो, कहीं भी लिख रहे हो, न्यूज़पेपर पे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखो जरूर, ठीक है। तो जो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स निकाला हुआ है, उस वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो 43 है, ठीक है। भारत जो है 43rd पायदान पे आता है, और जो ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो है उसमें भारत के स्थान जो है 72वां है, 72 प्लेस पे है, ठीक है। इतनी क्लियर हो गई। फिर हम लोग बात कर रहे थे HADR की, यानी ह्यूमैनिटेरियन, ये जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ की हम लोग बात कर रहे थे। अगर उसकी बात करें तो भारत ऑलरेडी इस पर तत्पर होकर काम कर रहा है। सागर प्रोजेक्ट हम लोग की तरफ से चल रहा है, ठीक है। भारत जो है वो सागर एक कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा है, जिसके तहत, जिसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। मतलब जो इंडियन ओशन रीजन है, ठीक है, जो इंडियन ओशन रीजन है उसमें जो है वो भारत के जितने, भारत के आसपास जितने भी पड़ोसी उसमें पड़ रहे हैं, उन सभी लोगों को हर प्रकार की जो है एक तरीके कहिए आप सुरक्षा एवं सहायता ये उनको प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक HADR प्रोजेक्ट ही है। आप देखोगे कि अगर किसी भी टाइप का, जैसे मान लो श्रीलंका में पहले बहुत से इश्यूज हुआ करते थे, उसमें हेल्प आउट करने इंडिया पहुंच जाती थी, मालदीव्स में आप देखोगे, तो ये इंडिया ने भी एक प्रोजेक्ट बना रखा है, भैया हमारे आसपास के जितने भी समुद्र से हमारे सटे हुए दोस्त हैं, मित्र हैं, राष्ट्र हैं, ठीक है, या फिर अन्य जो राष्ट्र हैं हमारे जो मित्र राष्ट्र हैं, उनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग जो है मदद के लिए जरूर पहुँचेंगे। ये प्रोजेक्ट जो है उसका नाम है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। नोट कर लिया ये, इतनी बात सबको क्लियर हो गई, एकदम डाउट में मत रहना बच्चों, एकदम क्लियर करते चले जाना, ठीक है। चलो देख लेते हैं जरा सा, चलो वेरी गुड, कोई ठीक है, सभी लोग क्लियर हैं,
चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो सिंगापुर की अगर आप बात करोगे तो अगर नक्शे पूरे वर्ल्ड मैप पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये छोटा सा यहाँ पे हिस्सा आपको दिखेगा वो सिंगापुर। जितना बड़ा मैं डॉट बना रहा हूँ समझ लो उतना बड़ा जो है सिंगापुर आपको दिख जाएगा वहाँ पे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट वही पार्ट है जहाँ पे बवाल बहुत हो रहा है, ठीक है, जैसे साउथ चाइना सी इसको कहते हैं, ये इंडियन ओशन का रीजन है, और इधर साइड चले जाओगे तो पैसिफिक आ जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया आपको दिख ही रहा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये देखो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये पूरा पार्ट, ठीक है, जो ये इनसर्कल किया गया है इन सब चीजों से, ये जो लाइनें बनी हुई हैं, ये पूरा एरिया जो है ये सिंगापुर के अंदर आता है, ठीक है, ये पूरा एरिया सिंगापुर के अंदर आता है। और सिंगापुर से छलांग मारोगे तो पहुंचेगे कहां पे, मलेशिया पहुंच जाओगे सीधे, ठीक है। तो ये पार्ट जो है वो सिंगापुर के अंदर आता, बहुत ही हाईटेक सिटी है, बहुत ही डेवलप कंट्री कहें कि सिटी कहें यही नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, और बहुत ही वेल प्लान्ड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ की चीज़ें बहुत ही वेल प्लान्ड। आपको मालूम है यहाँ पे जो है हर व्यक्ति के पास अपना मकान, उसी कॉन्सेप्ट को लेकर इंडिया में भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जो उम्मीद की जा रही है 2022 तक मैक्सिमम आबादी तक जो है मकान पहुंचा दिए जाएंगे, ठीक है। देखो इसमें ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने फ्री में दे दिया, ये लो फ्री में नहीं, गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई ये लो मकान, ठीक है, ये मकान लो, और उसका एक जो जो खर्चा है ईएमआई है उसको बहुत कम बहुत सस्ते दरों पर रख दिया, और वो इंसान को दे दिया कि लो आजीवन में आप चुका लेना, ठीक है। तो अगर हम बात करें कोई भी व्यक्ति है तो 10 लाख 15 लाख अगर पूरे जीवन की हम बात करें, मान लो 40 साल 50 साल की बात करें, तो उसमें उसके लिए वो चीज़ जो है वो बहुत भारी नहीं होती है। नहीं तो दर दर भटकता हुआ इंसान, मकान नहीं है, किराए के मकान में घूम रहा है वगैरह, जो भी अगर वो कर रहा है उस परिस्थिति में, आप सोचो उसके लिए कितनी डिफ़िकल्ट हो जाती है लाइफ, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे है, क्लियर हो गया इतना, चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है। कृष्ण अवतार सैनी भैया नमस्ते, नमस्कार आपको भी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, ठीक। मिस्टर मोहम्मद नदीम, दिस इज़ नॉट अ प्लेस फॉर यू टू मार्केट योर सेल्फ, सो प्लीज़ अवॉइड इट, ठीक है, अवॉइड इट, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे अगर हम लोग देखें तो ये जो एग्रीओटा करके एक चीज़ लाई गई है, ठीक है, वो क्या है वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। न्यू ई मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च टू ब्रिज गैप बिटवीन इंडियन फार्मर एंड यूएई फूड इंडस्ट्री, ठीक है। तो अब देखो यूएई फूड इंडस्ट्री जो है और वो जो जो इंडियन फार्मर है, इन दोनों का रिश्ता कैसे है। देखो रिश्ता ये है कि यूएई आप जानते हो किस टाइप की कंट्री है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल चीज़ों में लोग इन्वॉल्व नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ भी वैसी नहीं है। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, तो सो दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट देमसेल्फ हियर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, उन्होंने एक एग्रीओटा करके बना दिया है, इससे क्या होगा, जो इंडियन फार्मर हैं और जो वहाँ का मार्केट है, फूड इंडस्ट्री है, इनको कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से कनेक्ट कर दिया जाएगा। और इसका जो चीज़ होगा, इसका जो फ़ायदा होगा, वो कहीं ना कहीं दोनों लोगों के लिए म्यूचुअली होगा। इंडियन फार्मर जो होंगे वो अपने प्रोडक्ट कहाँ पे बेचे, कौन उनके पोटेंशियल बायर्स हैं, क्या हम प्रोड्यूस करें, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना यहाँ पे इंडिया में, हम लोग जो है एज अ फार्मर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, उसको खुद ही सेवन करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, हम जैसे कैश माइंडेड एक नहीं होता है, बिजनेस माइंडेड वाली चीज़ वो बहुत ज़्यादा हम लोग लेकर नहीं चलते हैं। तो यही यहाँ पे चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया जो है, इंडियन फार्मर जो है, उनको भी एक इंसाइट मिल जाएगा, एक विजन मिल जाएगा कि वी मस्ट गो फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट बिकॉज इट इज़ डिमांडेड इन द मार्केट। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो ये कनेक्टिविटी वहाँ कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। और थोड़ा सा अगर इन्फॉर्मेशन अगर इसमें हम लोग जोड़ना शुरू करें, आईपीएल तो हो ही रहा है भाई, आईपीएल हो रहा है, लेकिन जानते हो दुखद खबर क्या है, आईपीएल में एक दो कुछ लोगों को जो है कोरोना वाला केस निकल आया, तो थोड़ा सा एक भय का माहौल वहाँ पर हो गया। देखो होता है नहीं होता वो तो बात की बात है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यूएई ने जो लॉन्च किया उसका क्या नाम रखा है, एग्रीओटा, ठीक है, ये नाम रखना, ये क्या है, ये ई मार्केट प्लेटफॉर्म है। ई मार्केट प्लेटफॉर्म का क्या मतलब होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, मतलब जैसे अमेजन वगैरह है उसी टाइप का, और वहाँ पे आप जो है अपने कस्टमर या जो भी आपके बायर हैं या सेलर हैं जिनसे भी आप इंटरेक्ट कर सको, ठीक है। तो ये बात है, जैसे सब्जी मंडी में आप घर जाओगे देखोगे बैठका टाइप का बनाया होता है, वहाँ पे जो है किसान आते हैं अपनी सब्जियाँ रखते हैं और हम और आप जैसे लोग जाते हैं वहाँ खरीदने जाते हैं, तो यही तो होता है। अब बस यही बैठका जो है ना वो ऑनलाइन लगा दिया गया। अब समझ में आ गई बात सबको, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई डाउट
ठीक, चलो बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पे हम लोग देख ले, अभिषेक त्रिवेदी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा बफरिंग टाइप का आ रहा है, वो आपके एंड पे होगा, क्योंकि मैं भी अपना नेट चला रहा हूँ यहाँ पे, मोबाइल मतलब चला रहा हूँ यहाँ पे, और देख हमेशा मैं ऑनलाइन रहता हूँ उस चीज़ को रख के कि कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही सिस्टम में। ठीक है, तो आई फाइंड इट गुड हियर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे हम लोग देखें। ठीक है, आईपीएल नहीं होना चाहिए, देखो वो अपना अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है। ठीक है, तो विल नॉट टॉक अबाउट दैट हियर। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये चीज़ें हम लोग पढ़ लें। ठीक, चलो दूसरी चीज आप देखो यहाँ पे, ये जो एग्रीओटा है इसको लाने में किसका रोल है भाई? दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर है। ठीक है, दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर, जिसके जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन या आपको सीईओ हैं, उनका नाम है अहमद बिन सुलेम। ठीक है, ये नोट आप एकदम नाम नोट कर लेना। ठीक है, क्लियर हो गई, क्या चीज़ आपको करना? एग्रीओटा लाया किसने? यूएई ने। यूएई के किसने? दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर ने लाया। ठीक है, और उसके जो सीईओ कौन है? वो है अहमद बिन सलाइम, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ये एकदम नोट करते चले, और लिखना जरूर, जैसे मैंने कहा है लिखो जरूर। ठीक है, लिखना जरूर, नहीं लिखोगे? अकबर अंसारी, थैंक यू वेरी मच कि आपने बताया। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, बच्चे बिल्कुल सर रहता है नेचर किसी, अच्छा अभिषेक, हाँ हो जाता है कभी कभी। ठीक है विवेक, वेरी गुड। अब विवेक को जो आईपीएल, तू विवेक तू टेंशन ना लो, मैं आईपीएल का तुमको ना वो दूंगा, चार्ट दूंगा किस दिन कौन सी मैच होगी। ठीक है, तो बैठ के हम लोग देखेंगे साथ में। चलो यहाँ पे आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ लें। ठीक है, भीम, हाँ भीम, भीम का तो हमेशा बफरिंग होता ही रहता है, सही बात है भीम, आपके आपके एरिया में नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम इशू है, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू कैन वॉच द वीडियो लेटर। ठीक है, चलो अब इसमें आ जाते हैं हम लोग। देखो अब इस अवसर पे जब ये सब कार्यक्रम हो रहा था, तो हमारे जो एम्बेसडर थे, जो इंडिया से, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं यूएई में, पवन कपूर साहब, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, तो ये इतने लोग वहाँ पे उस प्रोसेस में मौजूद थे इस चीज़ को शुरू करने में। ठीक है, अब देखो 2019 में जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट रहा, मतलब पिछले वर्ष का जो एक्सपोर्ट रहा इंडिया का वहाँ पे, ठीक है, जो फूड के मार्केट में, दैट वाज अराउंड 38 बिलियन। ठीक है, दैट वाज अराउंड 38 बिलियन। ठीक है, दैट वाज अराउंड 38 बिलियन। और अगर यहाँ पे आप देखो, ठीक है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो अभी कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था, जिसमें सिंगापुर नंबर वन पोजीशन पे था, ठीक है, जो सिंगापुर नंबर वन पोजीशन पे था, उसमें यूएई का जो स्थान है वो 21वें पे है और भारत 72वें पे है। ठीक है, ये तो अभी आप लोगों से हमने डिस्कस किया ही था। यूएई के बारे में अगर आप बात करो, देखो यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एमिरेट्स मतलब छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं जहाँ पे अपने राजा और रजवाड़े टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, इन लोगों को कनेक्ट करके बनाया गया। ठीक है, तो लगभग अराउंड 6-7 7-8 स्मॉल एंड बिग एमिरेट्स जो है एक साथ बन के उसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बनाए गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैपिटल है अबू धाबी। ठीक है, कैपिटल क्या है? अबू धाबी। और अल डाफरा में अभी हम लोगों ने अपने राफेल को रेस्ट कराया था, ये आपको मालूम ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये नाम क्यों मैं बार बार लेता हूँ, अगर आपसे पूछ दिया गया कि अल डाफरा जो है वो किस देश में है, ठीक, अगर आपके सामने ऑप्शन रखा ईरान, ओमान, यूएई, सऊदी अरबिया, ठीक है, तो ये चार ऑप्शन अगर रख दिया तो आप कभी कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको हम बार बार वो नाम जो है आपके सामने रिपीट कर रहे हैं। क्लियर हो गया इतनी बातें? चलो अब आगे देखें हम लोग, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी। ठीक है, प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नाहयान, ठीक है, ये जो है वहाँ के प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के, और करेंसी वहाँ पे यूज होती है दिरहम। इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोगों की? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलिए बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात है, एकदम नोट करते रहो। और बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा, अभिषेक जायसवाल ने यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और ऐड की, उन्होंने कहा कि सर होप मार्स मिशन जो है, होप मार्स मिशन जो है वो लॉन्च किया यूएई ने, जो कि अरबियन पेनिनसुला में सबसे पहला था। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे बताई गई कि बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इन्होंने वहाँ पे कमीशन किया। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ वहाँ के लिए हो गई। तो ये दो न्यूज़ और जोड़ लेना, जो जो ये दो न्यूज़ आपकी आपको आया था, ठीक है, अभिषेक जायसवाल की तरफ से। ठीक है, तो कर्टेसी अभिषेक जायसवाल करके वहाँ पे लिख देना, उन्होंने बताया होप के बारे में और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई, नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो ये एक नक्शा इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा याद कर लेना, पूरे नक्शे पे, पूरे ग्लोब पे अगर देखने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा कहाँ पे, ये देखो ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है ना आपके, यहाँ पे छोटा सा पार्ट दिख रहा है। ठीक है,
छोटा सा पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, हालांकि नक्शा इंडिया का ये गलत दिखा रहा है ये, ठीक है। इसको जोड़ देंगे सबको अभी हम, चलो ये ऐसे करके जोड़ दीजिए। तो ये छोटा सा जो है ये यहाँ पे आपको यूएई दिख रहा है, इसको इस पूरे पार्ट को कहते हैं हम लोग अरबियन पेनिनसुला, ठीक है, अरबियन पेनिनसुला इसको कहा जाता है। साथ ही साथ ये आपका अफ्रीका अफ्रीका यहाँ पे मौजूद है, ऊपर आपको यूरोपियन जो यूरोप है वो आपको दिख जाएगा, और ये बाकी एशिया वाले पार्ट में ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये रहा हिस्सा। अब यहाँ पर अगर उसको और थोड़ा सा जूम इन करोगे आप, तो जूम इन करने के बाद आपको देखो ये दिख गया आपको क्या, अबू धाबी, ठीक है। ये देखो अबू धाबी दैट इज़ द कैपिटल सिटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। बाकी दुबई शारजा सब कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखने की चीज़ ये है कि इट हैज़ बीन कवर्ड बाई सऊदी अरबिया ऑन वन साइड एंड ओमान फ्रॉम द अदर साइड। और जैसे ही ये पर्शियन गल्फ उसके बगल में जो जल मतलब आप एक तरीके से कहो तो वहाँ पे पर्शियन गल्फ वो रीजन कही जाती है, ठीक है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बदमाशी करते हुए जो है हमारे ईरान वाले दोस्त हैं ये लोग, एक बार जो है उन्होंने क्या किया जानते हो, जो ग्रेट प्रोफेट 14 में क्या किया, इन्होंने एक जहाज बनाई, ठीक है, एक जहाज बनाई, कैसे, जो यूएस की जो जहाज होती है उस टाइप के उन्होंने जहाज बनाई। और उस जहाज पे उन्होंने जानते हो क्या किया, उन्होंने उस जहाज पे एक मिसाइल दागी और ढेर सारा एक्सरसाइज किया, और ये दिखाने की कोशिश की कि भैया यूएस वालों तुम्हारी जहाज का हम यही हालत करेंगे, ठीक है। तो ये सब उन्होंने वो बम पटाके जो भी था उस पर फोड़ा उन्होंने जम के, ठीक है। और उसी वक्त आपको याद होगा उसी वक्त हमारा जो राफेल विमान है वो फ्रांस से जो है टहल के मतलब वहाँ से चल के आ रहा था, ठीक है। तो वो वहाँ यहाँ पे जो अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो यूएई में जो है वो अब रेस्ट कर रहा था एक तरीके से, ये रेस्ट मतलब एक ब्रेक लिया उसने, ठीक है। और उसी वक्त ये सब कांड यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। और ऐसा ही कांड चाइना ने भी किया, चाइना ने भी क्या किया, चाइना ने जो साउथ चाइना सी है ना इधर अगर आप देखोगे तो साउथ चाइना सी में चाइना ने क्या किया, चाइना ने एक मिसाइल का परीक्षण किया, ठीक है। मिसाइल का परीक्षण किया DF-21, वो मिसाइल जानते हो क्या था, वो मिसाइल जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, इसको उसको कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल, ठीक है। तो वो उसका उन्होंने परीक्षण किया, वो भी यही दिखा रहे थे कि आओगे तो मार देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस अभी चल रहा है दुनिया के कई कोनों में अगर आप देखोगे, ठीक है, क्लियर हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। आगे हम लोग देखें, आगे देख लीजिए, पीयूष गोयल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड रेलवे एंड हिस एक्सेलेंसी एची मतलब हिस एक्सेलेंसी ट्रांटोन ए अहान मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड ऑफ वियतनाम को चेयर द 17th आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर कंसल्टेशन हेल्ड वर्चुअली ऑन 29 अगस्त। अब देखो ये आसियान के साथ भारत की बैठक हुई, ठीक है, आसियान में जो 10 देश आते हैं और 2 ऑब्जर्वर्स आते हैं लेकिन 10 देश ही वो है। तो ये 17वीं बैठक हुई, ठीक है। भारत अपनी कनेक्टिविटी जो है आसियान नेशन जो यहाँ पे आप देख पाओगे तो ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको ये सब आसियान नेशन है, ठीक है। और इनका मेजर स्टेक है, देखो यहाँ पे क्यों ये भारत का इनसे जुड़ना क्यों इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दें। देखो भारत का जुड़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है इनके साथ क्योंकि यही तो एरिया है ना जहाँ सब बवाल हो रहा है, जिसको आप लोग कहते हो साउथ चाइना सी, यही तो है साउथ चाइना सी। और दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है, ठीक है। तो ये जो है ये जो कोरोना देश जो है, ठीक है, यानी चाइना, ठीक है, तो कोरोना देश जो है वो ये साउथ चाइना सी पे हड़पने की बात है ना, हड़पने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, हड़पने की कोशिश कर रहा है। तो ये जितने भी इसमें स्टेक होल्डर हैं ये सब लोग उसके विरोध में आ गए हैं और इंडिया इनसे जुड़ रहा है। क्यों जुड़ रहा है भाई, कि कल को अगर इस कोरोना प्रदेश पे हमला करना पड़े, मारना पड़े इनको, सुधरेंगे नहीं तो, तो उस वक्त जो है ये राष्ट्र हमें जो है अपनी हो सकता है अपना एरिया में हमको आने दें, अपने एरिया से हमको गुजरने दें, ये बहुत ज़रूरी होती है ना। तो भारत पूरा माहौल बना रहा, उतना ही नहीं लड़ेंगे हम, मान लो डायरेक्ट लड़ाई ना हो फेस टू फेस वाली, इनडायरेक्ट तो हो सकती है ना, तो बिजनेस जो प्रोक्योरमेंट होते हैं, जो बिजनेस की चीज़ें होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें होती हैं, जो मार्केट की होती है कि भैया तुम चाइना से सामान मत लो, तुम हमसे सामान ले लो, ये वाला केस भी जो है इंडिया कर सकता है क्योंकि 10 कंट्री मतलब 10 कंट्रीज आप समझो, ठीक है, तो कितनी बड़ी GDP ये सब होंगी। और ये लोग जो हैं, ये सभी लोग जो है, ये सभी देश जो है अगर भारत के फेवर में ये वर्कआउट कर देंगे तो भारत की स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना। अब समझो इतने देश, 10 देश में अगर आप पॉपुलेशन जोड़ लो, इनके पॉपुलेशन हम लोग ऑन एन एवरेज मान ले 10 देशों का जोड़ के मान लो ये लोग 100 करोड़ होते हैं, तो 100 करोड़ का मतलब जान लो क्या होता है,
100 करोड़ घड़ियां अगर हम बेच देना तब भी बहुत बिजनेस आ जाएगा। तो ऐसे देखकर आप लोग चलो, तो ये कनेक्टिविटी एक बनाई जा रही, तो हर चीज देखना चाहिए। आप डिप्लोमेटिक रिलेशन भी देखो, ठीक है, अगर हम ऐसे देखें बिजनेस वाइज भी रिलेशन, इससे क्या हमें फायदा होगा या क्या हमारा भविष्य होगा, ये देखना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज समझिए। और ये जितने भी देश है ना, यहाँ पे हमारे यहाँ के बैंक, हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां जाके वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कर सकते हैं यार। तो ये इतनी चीजें, उतना ही नहीं, हमारे यहाँ के जो टैलेंट्स हैं वो भी वहां जाके उस कंट्री में जो है काम कर सकते हैं। तो बहुत सी चीजें, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ये हमेशा याद रखना। जब हम लोग आसियान की बात करेंगे तो सेक्रेटरियट इसकी कहाँ पे है, जकार्ता। मेंबरशिप में अगर देखें तो 10 स्टेट इसमें होते हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी होते हैं, जो मतलब उसमें मेंबर उसके नहीं है परमानेंटली, ठीक है, वो ऑब्जर्वर के रूप में वहां पे काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल इसके कौन है, लिम जॉक हुई, ठीक है, ये जो है सेक्रेटरी जनरल है। एस्टैब्लिशमेंट इसका 1967 में हुआ था, ठीक है। और अगर बात करें जो 10 देश के नाम आपके सामने, हमने 2 ऑब्जर्वर और 10 देश के नाम रखे हुए, ये एक नक्शा मैंने कहीं से ढूंढ निकाला था ताकि और क्लोजअप आपको देखो, ये साउथ चाइना सी दिख रही है। अब देखो ये आसियान के सब, ये देखो वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, ठीक है, मलेशिया दो पार्ट में है ना केक की तरह, ठीक है, तो मलेशिया, फिलीपींस। अब लड़ाई किसकी होती है, ये स्पारिटी आइलैंड यहाँ पे है और ये पैरासेल आइलैंड ऊपर यहाँ पे है, ठीक है, इसी इन्हीं के लिए लड़ाई होती है, ठीक है, इन्हीं के लिए लड़ाई होती है, ये मेजर रूट है बिजनेस का, ठीक। और इस समय जो है टहल रहा है वो कौन, इंडियन नेवी ने भी अपने जो है वो युद्धक पानी के जहाज भेजे हैं इस रीजन में, ठीक है, और यूएस के जहाज ऑलरेडी मौजूद है, जापान ऊपर है ही, वो भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये लोग प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पे हम मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, उनका मतलब ये एक प्लानिंग है, ठीक है। तो भविष्य में जब होगा तो उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे, ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। चलो कुछ लोग कैपिटल और करेंसी बता रहे हैं, तो चलो बच्चों मैंने एकदम इकट्ठा कर लिया आपके कैपिटल करेंसी, देखो यहाँ पे सब कुछ मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे भारत, कंबोडियन रियल, डोंग, कयात, लौकी, पेसो, रिंगिट, रुपया एंड डॉलर, ये सब जो है आपके पास मौजूद रहेगा पढ़ने के लिए, बिल्कुल इसको याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये आपके लिए एक हमने इकट्ठा करके यहाँ पे रख दी है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे आते हैं हम लोग न्यूज़ में, आगे की जो एक न्यूज़ हमारे पास है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, और टेक्निकली आपके पढ़ने के लिए भी। द इंडियन फिस्कल डेफिसिट इज एक्सपेक्टेड टू टच 7% ऑफ GDP इन 2020-21 फिस्कल एज अगेंस्ट बजट एस्टिमेट ऑफ 3.5 अकॉर्डिंग टू ब्रिकवर्क रेटिंग। देखो अब यहाँ पे समझ लो, ब्रिकवर्क रेटिंग नाम की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मतलब वह एजेंसी जो दूसरे के बताती है कि इसमें पैसा निवेश करना या यहाँ पे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है उसका क्या लाभ हमें मिल सकता है, समझे कि नहीं। जैसे मोहल्ले में नहीं कोई हमेशा एक दो काका लोग ऐसे होते हैं जो हर लड़के लड़की का जो है वो बताते हैं कि हाँ ये पढ़ने वाला है, ये पढ़ने वाला नहीं है, ये दिन भर घूमता रहता, ये वही वाले टाइप के लोग ये भी होते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इनको कहते हैं, जो आपकी साख ये बनाते या बिगाड़ देते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है एवं नहीं बोलती, ठीक है, काका लोग तो ऐसे ऑब्जर्वेंस के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये ऑब्जर्वेंस के हिसाब से नहीं बोलती भैया, इसके पास पूरा डाटा होता है, पूरा स्टडी करती है कि ऊपर नंबर जा रहा है कि नीचे नंबर जा रहा है, ठीक है, और ये स्थिति क्या चली, सरकार की स्थिति क्या चली, लोगों का विश्वास सरकार पे कितना, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं, ठीक है। अब मान लो कोई सरकार, एक मान लो कोई सरकार है जहाँ जिसपे जनता भरोसा ही नहीं कर रही है, तो कोई भी अन्य देश जो है वहाँ पे पैसा नहीं लगाएगा, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही जैसे विवादित जमीन खरीदना, ठीक है, एक बार खरीदे जिंदगी भर सरदर्द रहेगा, फिर तो वर्चस्व की लड़ाई हो जाएगी, तो वही वाला केस यहाँ भी हो जाएगा। अगर आप इन्वेस्ट ऐसे जगह पे करोगे जैसे मान लो सोमालिया है, सीरिया है, वहाँ पे जाके आप प्रोजेक्ट लगाओगे, अफगानिस्तान में जाओ प्रोजेक्ट लगाओ, समझे कि नहीं, क्यों, क्लैरिटी नहीं है ना, आपका इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा और उसकी उसका उसके लाभ कहीं से कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप समझो, देखो ये नई है प्रदीप पाल, जो ये क्रेडिट एजेंसी जो है ये नई है, ये पहले भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन जैसे आप लोग देखते हो ना कि मूडीज़ और ये सब बहुत तत्पर रहते हैं एकदम, ऐसे ब्रिक्स जो है थोड़ा उस मामले में थोड़ा सा पीछे है, ठीक है। चलो तो ये इतनी बात क्लियर हो गई, थोड़ा सा ब्रिक के बारे में भी जान लो, ये 2008 से ही चल रही है, ठीक है, 2020 हो गए, 12 साल पुरानी कंपनी। KN पृथ्वी राज साहब इसको देख रहे हैं, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, भारत की ही ये कंपनी है, सेबी में ये रजिस्टर्ड है, ठीक है, सेबी में भी रजिस्टर और RBI ने भी इसको मान्यता दे रखी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एमआई टाइप की कंपनी है, ठीक है, लेकिन हाँ थोड़े लोअर लेवल पे है, मतलब छोटी कंपनी अगर देखा जाए स्टैंडर्ड एंड चार्टर इन लोगों के कंपैरिजन में, ठीक है, लेकिन डाटा सही है। अब देखो अगला चीज क्या है, यहां पे एक वर्ड आया आपके लिए, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा,
अनफिस्कल का मतलब होता है राजकोष की, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा मतलब जो हमारा जो देश का जो कोष है, ठीक है, जो हमारा देश का पूरा मान लो खजाना है, ठीक है। तो खजाने में पैसे आते भी हैं और पैसे जाते भी हैं, यही तो होता है। सैलरी आई उसी के हिसाब से तो खर्चा घर में चलता है, तो आप घर में देखते ही हो कि मम्मी बजट मैनेज करती हैं जब, ठीक है। तो ये वही वाला खेल है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट इसलिए बता रहा है क्योंकि जो प्लस होगा वो कम होगा और जो माइनस होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए कह रहा है भैया घाटा लगेगा। अब कह रहा है यहाँ पे देखो, हमेशा जब घाटा आता है तो वो बताया जाता है कि जीडीपी का इतना परसेंट होगा, ठीक है। तो मतलब अगर हमारी जीडीपी 100 रुपये की है तो उसके 7% के बराबर हमें जो है नुकसान होने की संभावना है, ये यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो फिस्कल डेफिसिट का एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट का एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। वो फॉर्मूला आप लोग देख लो क्या होता है, हम बता दें। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू, ठीक है, नॉन बोरोड रिसिप्ट, नॉन बोरोड रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हम इसलिए आपको रिमाइंड दिला रहे हैं क्योंकि इसमें ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो किसी भी राष्ट्र में अगर हम देखें, ठीक है, तो उसके जो पैसे का हिसाब किताब जब होता है ना, एक तरीके से आप समझो तो उस पैसे का हिसाब किताब के लिए दो खाते बनाए हुए होते हैं। देखो पहला खाता होता है जिसको आप रेवेन्यू अकाउंट कहते हो, राजस्व, ठीक है, और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक। अब देखो होता क्या है कि अगर किसी भी प्रकार का लेन देन हुआ है ऐसा जिसमें हम किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति ना बना रहे हैं ना बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे सरकार ने टैक्स लगा दिया तो क्या इससे कोई संपत्ति बनेगी बिगड़ेगी? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। सरकार ने फाइन लगा दिया तो ऐसा नहीं ना, सरकार ने फाइन लगा दिया तो हमारा घर जो है वो बिक जाएगा, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो समझिए, तो ये जो होता है यहाँ पे, ठीक है, हाँ बिल्कुल मयंक, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पलक ने भी फॉर्मूला लिख रखा है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ रेवेन्यू की जब हम बात करेंगे रेवेन्यू अकाउंट में, तो रेवेन्यू अकाउंट में टैक्स पेनाल्टी ये सब इसमें ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। और बाकी जो सैलरी और इंसेंटिव और सब्सिडी जाती सब यहीं से निकाला भी जाता है। तो एक खाता तो ये हो गया कि इसमें वो पैसा आएगा जिससे कोई किसी भी प्रकार का हमारे ऊपर ना एसेट आया है, हमारे पास ना एसेट आया है, ना कोई लाइबिलिटी आई है, ठीक है, ना संपत्ति बनी है ना दायित्व बना है, तो वो कहां लिखेंगे हम लोग? रेवेन्यू में। लेकिन अगर संपत्ति या दायित्व वाला केस होगा तो वो कहां लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। जैसे हमने लोन ले लिया किसी से तो वो कहां पे लिखेंगे? क्योंकि लोन तो चुकाना पड़ेगा ना, तो वो कहां पे लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट में। हमने लोन दे दिया किसी को, ठीक है, बड़े बड़े देशों को हम लोग लोन देते रहते हैं, ठीक है, जैसे मान लो यूनाइटेड स्टेट ऑफ, अगर बात करें तो अमेरिका की बात नहीं करेंगे हम, नेपाल की बात करेंगे, भूटान की बात करेंगे, अफगानिस्तान की बात करेंगे, श्रीलंका की बात करेंगे, इन लोगों को जो अगर मान लो हमने किसी प्रकार का लोन दे दिया तो वो लोन जो है वो हमें मिलेगा वापस, ठीक है, तो वो कहाँ पे हम लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। तो ऐसे करके देश, हर देश का खाता होता है, ठीक है। आपको याद है सलमान खान की जो मूवी थी, एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उस मूवी में उसने गोलक बना रखे थे ना, दादी की आंखों के लिए, बहन की शादी के लिए, बहन की पढ़ाई के लिए, भगवान आपके लिए करके बना रखा था ना गुलक। वैसे ही यहाँ पे भी ये डेजिग्नेटेड अकाउंट्स होते हैं जिसमें ये पैसों का लेन देन किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना जब आप एफडी मतलब फिस्कल डेफिसिट निकालते हो ना, तो जितने भी बोरोड मतलब जो पैसे हमने बोरो किए हुए हैं उसको उसमें हम नहीं दिखाते हैं, ठीक है, नॉन बोरोड रिसिप्ट। तो एफडी जो होती है, जो फिस्कल डेफिसिट होती है, वो हमेशा ये बताती है कि आपके राष्ट्र में एक जो आपने विजन बना रखा है, बजट लाने की कोशिश आप जो कर रहे हो वो सही हो, ठीक है, इसके लिए वो सही हो, इसके लिए आपको कितने और पैसे की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगले महीने बर्थडे है, 1 लाख रुपए खर्च करना है, आएगा 50,000, तो अब कितने और चाहिए? 50,000। ऐसे करते हो ना, बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला यहाँ भी है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, ये चलो ये चीज़ें क्लियर हो गई। और भी चीज़ें आप लोग जो है पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अब हम लोग आते हैं ऐसे लोगों की बात हम लोग करेंगे, अब ऐसे लोगों की बात करेंगे, ठीक है, कि जो लोग किसी ना किसी वजह से चर्चा में आए हैं, चाहे वो
स्पोर्ट्स में अवार्ड मिली है, चाहे वो डेथ की वजह से आए हैं, ठीक है, ऐसे करके जितने भी लोग आए। तो एक पहली चीज़ आप यहाँ पे देख लें, ये जो तस्वीर आपको दिख रही है थोड़ी साफ साफ टाइप की, ठीक है, ये है इनाम उर रहमान साहब। इनको मध्य प्रदेश सरकार जो है ना ये इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजेगी, ठीक है। तो ये नाम याद रखना इनाम उर, ठीक है, ये नाम आप यहाँ पर याद रखना इनाम उर रहमान, ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बातें। चलो आगे हम लोग देख लें, ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में आपको मालूम है आनंदीबेन पटेल जो है गवर्नर है वहाँ की, शिवराज सिंह चौहान भोपाल इज कैपिटल, ये सब आप लोगों को ऑलरेडी आप लोगों ने स्टडी किया होगा, ठीक है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार की अगर आप बात करो तो रोको टोको कार्यक्रम वहाँ पर चल रहा है, ठीक है, रोको टोको कार्यक्रम चल रहा है और भी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं आप लोगों को जो मैम ने बता रखी थी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, प्रवीण कुमार को याद हो गया था, ठीक है, चलो सही है, चलो आगे हम लोग बढ़े, ठीक, ये चीज़ याद हो गई, नाम याद रखना कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से संबंधित सभी एग्जामिनेशन में आने की संभावना इसकी बढ़ जाती है और नेशनल लेवल पे भी ये सवाल पूछने लायक है, ठीक है, खासतौर पर क्लर्क के लेवल के लिए, ठीक है। चलिए अब अगला देख लीजिए, अगला ये जो आपको दिख रहे हैं ये एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट और एडिटर हैं, ठीक है, और कन्नड़ फार्म जर्नल ये इनका आता है, ठीक है, आदि के पत्रिके, तो इनका जो है निधन हो गया, ठीक है, मंची श्रीवास्तव आचार्य का इनका निधन हो गया, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, ये सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता है कि इनका जो पब्लिकेशन है या जो प्रोडक्ट इनका आता था उसका नाम क्या था, ठीक है, FIR आपके द्वार, बिल्कुल सही रविंद्र चंद्र, बिल्कुल अच्छा याद दिलाया आपने, ठीक है। तो ऐसे मध्य प्रदेश में कई सारे स्कीम्स भी चल रहे हैं, तो जब भी नाम आए मध्य प्रदेश का ना तुरंत आप लोग याद करना शुरू कर, अच्छा ये है, ठीक है, यही तरीका है करंट अफेयर पढ़ने का, और कोई तरीका नहीं कि कोई टैबलेट लाए जैसे मैट्रिक्स में नहीं देता है कि लाल वाला और नीला वाला टैबलेट ये खा लो, तो वो ऐसा टाइप का कोई टैबलेट नहीं है, ठीक है, आपको रीड करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, डिस्कस करना पड़ेगा, तभी आपको वो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। और जो लोग IAS की तैयारी करना चाहते हैं उस न्यूज को जब पढ़ो ना, जब पढ़ो, डिस्कस करो, सब कुछ करो, बिना बायस हुए हमेशा उसमें से एक ओपिनियन बनाएं, एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पे करने की कोशिश करनी होगी, तब जाके आगे आप बहुत तगड़े बन पाओगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आप देखो जो सवाल कैसे बन सकता है, ठीक है, सवाल ये भी हो सकता है कि जो इनका जर्नल है उसका नाम क्या था, ठीक है, और ख़ास तौर पे आप देखोगे तो ये कन्नड़ लैंग्वेज से वहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो ये सवाल भी आपके लिए बन सकता है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, वेटरन एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय डाइड इन बेंगलोर, ठीक है, तो पुरुषोत्तम राय जी का निधन हो गया, ठीक है, एथलेटिक्स कोच हुआ करते थे, तो ये नाम भी याद रखिएगा, ये ओबिचुरी में आपके एक न्यूज़ और आ गई, ठीक है। और अगली एक न्यूज़ जो आपके सामने है, अभी हाल ही में एक जो स्पोर्ट्स इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में जो है फुटबॉल चैंपियनशिप होते रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ ISL कर रहे हैं हम लोग, इंडियन सुपर लीग कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे फुटबॉल चैंपियनशिप इंग्लैंड या यूरोपियन कंट्री में होते रहते हैं, ठीक है। तो एक था FA कम्युनिटी शील्ड, ठीक है, इसको जीता है किसने, आर्सेनल ने, आर्सेनल भी वहीं की टीम है, लिवरपूल भी वहीं की टीम है, ठीक है, तो आर्सेनल ने लिवरपूल को हरा के, ये देखो ये लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इन्होंने कम्युनिटी शील्ड 2020 जीत ली है, ठीक। एक चीज़ आप और जानो, जो ये लिवरपूल है ना जो बेचारी हार गई अभी, उसको जो है सिटी ऑफ म्यूजिक, वो जो शहर है ना उसको सिटी ऑफ म्यूजिक यूनेस्को द्वारा 2015 में घोषित किया गया था, ठीक है, याद रखो लिवरपूल। आप लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं बच्चे, शायद लिवरपूल का नाम आप लोगों ने कई जगह सुना भी होगा, ठीक है, ऐतिहासिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट सिटी भी है, और दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत इसको क्षति भी पहुंची थी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे जो चेन्नई फुटबॉल क्लब है ना, चेन्नई इन फुटबॉल क्लब, उसने क्या किया, उसने एक कोच जो है इंडियन सुपर लीग जो आगे आने वाली है उसके लिए एक कोच अपॉइंट किया है, उस कोच का नाम क्या है, कसाबा लास्लू, ठीक है, तो इनको इन्होंने अपॉइंट कर रखा एज अ कोच, किसने, चेन्नई इन फुटबॉल क्लब, FC मतलब फुटबॉल क्लब, ठीक है, आने वाले जो गेम सीजन है उसके लिए, ठीक है, क्लियर। चलिए तो अब देखो, ये देखो अवार्ड लेके कितना खुश हो रहे हैं, ठीक है, और कुछ दिन पहले जो है लोग इनको डांट रहे थे, किस लिए जानते हो, कोरोना फैला दिया था इन्होंने, ठीक है, तो चलो बहुत अच्छी बात। यहाँ पे देख लेते हैं, नोवाक जोकोविच, ठीक है, हैज़ वॉन द वेस्टर्न साउदर्न ओपन, वेस्टर्न साउदर्न ओपन US में ये होता है, ठीक है, US में होता है, सिनसिनाटी नाम की जगह है US में, वहाँ पे ये होता है वेस्टर्न साउदर्न ओपन, ठीक है। अब देखो इन्होंने हराया किसको, इन्होंने हराया माइलोस रोनिक को जो कि कनाडा के हैं, ठीक है, माइलोस रोनिक को हराया जो कि कनाडा के हैं, जीता कौन, नोवाक जोकोविच, ठीक है, चलो नोट कर लिया इसको। चलिए
अब स्टैटिक में जो है आपके लिए नेशनल पार्क वगैरह जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका किसी को याद है महाराष्ट्र वाला जो शॉर्टकट हमने बताया था आपको? जल्दी से याद करो तो जल्दी से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर वाले राउंड पे, ठीक है? याद करो जल्दी से, एकदम नावे ताड़ो टाइप का हमने कुछ बताया था आपको, ठीक है? चलिए तो ये पढ़ लीजिएगा, ये इंडेक्स सभी जो है इस साल के इंडेक्स हैं, ठीक है? अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है, अगर कोई नया इंडेक्स आएगा तो उसके हिसाब से हम लोग अपडेट कर लेंगे, ठीक है? चलिए ये अवार्ड्स जो जिनको मिले हुए हैं तो ये तो अब अगले साल ही मिलेंगे, ठीक है? जैसे मान लो पुलित्जर दिया गया 3 लोगों को, ठीक है? तो ये तो अब अगले साल मिलेगा, इसलिए ये अगले 1 साल के लिए आपका कंफर्म हो गया, पक्का है, ठीक है? चलो क्वेश्चन आंसर यानी एमसीक्यू पे आएंगे, 20 से 25 सेकेंड का समय देंगे और आप कोशिश करना उसी में आंसर दे दें, ठीक है? प्रैक्टिस बनाने की कोशिश करना, नहीं आएगा स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? रिस्क भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करना स्किप कर देना, जब कन्फर्म हो नहीं आ रहा तो छोड़ दो यार, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और जल्दी से मैं थोड़ा सा मिस्टर इंडिया हो जाऊं। चलो तो सभी लोग तैयार हो गए, रेडी? जल्दी से बताओ भाई, आर यू रेडी फॉर द एमसीक्यू सेशन? संजय और चंगू, महाराष्ट्र की नावे ताड़ो, बहुत से पलक, वेरी गुड, अच्छा याद दिलाया। मोहम्मद इश्तियाक, एकदम ठीक आपके कमेंट के ऊपर कमेंट लिखा हुआ, संजय और चंगू, महाराष्ट्र की नावे ताड़ो, ठीक है? ये आप जरूर उसको पढ़ लेना, ठीक है? उसी से कनेक्ट कर लोगे आप जितने भी यहाँ पे ये दिए हुए हैं, ठीक है? जितने भी इसमें जो पार्क के नाम दिए हुए थे ना, उसको आप कनेक्ट कर लो। चलो सभी लोग तैयार हो गए, तो पहला सवाल आपके सामने, जल्दी से बताओ भाई। देखो नीचे घड़ी चल रही, ग्रीन कलर में आपको दिख रही होगी, ठीक है? सवाल है आपके सामने, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान हु हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑन 28 अगस्त 2020 बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ? खराब सेहत के कारण जो है हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया? अभी 1 साल का कार्यकाल बचा हुआ था, उन्होंने माफी मांगी अपने देश से, जनता से। उन्होंने कहा, आपके समर्थन के बावजूद भी मुझे लग रहा है कि मैं सेहत के कारण जो है अपनी कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं ये पद जो है पद से 1 वर्ष के कार्यकाल रहते हुए इस्तीफा दे रहा हूं, ठीक है? तो ये बात उन्होंने कही। तो जल्दी से बताओ भाई उनका नाम क्या है। चलो आंसर मैं बता देता हूं, शिंजो आबे साहब हैं। देखो शिंजो आबे साहब जो है लगातार लगभग 8 बार जो है वो उस देश को, मतलब लगातार 8 साल से तो ये है ही प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वहां पे हैं, ठीक है? तो ये याद रखिए, शिंजो आबे साहब हैं जिन्होंने रिजाइन किया, 1 साल का कार्यकाल रह गया था। बाकी स्कॉट मॉरिस को ले जाओ ऑस्ट्रेलिया, बोरिस जॉनसन जो है अंग्रेज जो है हमारे, ये हमारी छोटे आंखें वाले जो जिनपिंग साहब कोरोना प्रदेश के महाराज हैं ये, ठीक है? कोरोना प्रदेश के ये, इनको जो है लाइफ टाइम, एक तरीके से आप कहो लाइफ टाइम अब ये शासक बने गए वहाँ के, है कि नहीं? और ये जो फुगुडा साहब हैं ये पुराने प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जापान के, ठीक है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पहले ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, ठीक, क्लियर। चलो अगला सवाल आपके लिए, रिसेंटली चैडविक बोसमैन हैज पास अवे, ही वाज रिनाउन। अब बताओ भाई चैडविक बोसमैन क्या थे, ये इनका पेशा क्या था? ये एक्टर थे, क्रिकेटर थे, राइटर थे, फुटबॉलर थे, पॉलिटिशियन थे? बहुत ही आसान सा सवाल है, सबको जवाब मालूम होगा, ठीक है? जल्दी से जवाब दे दें और गलत जवाब तो कोई देना नहीं, ठीक है? हर जगह नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे गलत जवाब से, क्योंकि ये बहुत आसान सा है और कल जितने भी बच्चे मौजूद रहे होंगे उनको ये मालूम होगा पक्का, 100% मैं बता देता हूँ, 100% सभी बच्चों को मालूम होगा कि चैडविक बोसमैन कौन है। इतनी मूवी मार्वल्स की, इतनी मूवीज हम लोगों ने देखा है, अगर ये भी ना मालूम हो तो फिर तो बेकार है यार, मूवी नहीं देखना चाहिए फिर, ठीक है? चलो मोहन परमार कह रहे हैं, सर 7 साल के लिए जो है वो 7 साल लगातार थे शिंजो आबे साहब, चलो ठीक है, चलिए बहुत सही, आगे हम लोग बढ़े। चलिए बहुत अच्छे, तो यहाँ पे आंसर जो है हम लोग देख लेते हैं, आंसर क्या है हमारे पास। चलिए बहुत सही, आंसर जो है आपका 1 नंबर है, आपको मालूम ही था एक्टर, ये चेहरा देखो और फिर से याद करो भैया ये कौन है, ठीक है? चेहरा देखिए और बिल्कुल याद करिए कि ये कौन है। अगर आपको याद होगा तो आपने ढेर सारी मूवी देखी होंगी और वो सभी मूवी, जितनी भी मूवी आपने देख रखी होंगी, ठीक है, इनकी उनमें खास तौर पे जो मार्वल्स वाली ये जो मूवीज़ आई हुई थी, ठीक है, उसमें जो है इन्होंने
बहुत अच्छा रोल कर रखा था, ठीक है, बहुत ही अच्छा रोल किया हुआ था, तो जिसके लिए जो है लोग इनको कहीं ना कहीं याद भी करेंगे। कोलोन कैंसर हो गया था इनको, पैंथर साहब को हमारे जो है, ठीक है, इनको कोलोन कैंसर हो गया था और कोलोन कैंसर होने की वजह से जो है इनका इनका जो है निधन हो गया। और ऐसा नहीं था कि इन्हें कोलोन कैंसर के बारे में मालूम नहीं था, मालूम था, इलाज हो रही थी, दवा चल रही थी, सब कुछ चल रही थी, लेकिन सबसे मजबूत बात देखिए, एक व्यक्ति जिसको मालूम था कि यार मेरी स्थिति जो है वो बहुत कहीं ना कहीं नाजुक है, और उसके बावजूद भी इतना एनर्जी के साथ, इतना पॉजिटिविटी के साथ वो आगे जो है अपना काम कर रहे थे, ठीक है, आगे अपना काम कर रहे थे। इनसे भी हमें सीख लेनी चाहिए, सीख इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि हम लोग जीवन में कई चीज़ें फेस करते हैं, ठीक है, कई चीज़ें फेस करते हैं, और कई चीज़ें फेस करने को उसी को हम एक एक्सक्यूज़ बना लेते हैं कि सर ये वाली प्रॉब्लम है इसलिए हम ये नहीं कर सकते। आप सोचो ये बंदा भी तो वो कर सकता था कि मैं तो बीमार हूँ यार, छोड़ो अब जीवन में क्या रखा है, जीवन में क्या है हमारे लिए, ऐसा वो भी कर सकता था, ठीक है, बट स्टिल ही देखो ही फाइटेड। आप देखिए उनको, देख आप देखोगे इनकी मूवी में जो एक्टिंग करते हैं, जो दम लगाते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि ही यूज्ड टू बी अ मैन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस पीपल, ठीक है। इनकी तरह बाल बना लेना, इनकी तरह दाढ़ी बना लेना, ये दैट इज़ नॉट व्हाट यू वी मस्ट लर्न। व्हाट वी मस्ट लर्न इज़ द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन, कि उसने अपने निज जीवन में किन परिस्थितियों का सामना करते हुए ये चीज़ें पाई हैं, ये हमें सीखना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चुनौती, अ नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कंटेस्ट हैज बीन लॉन्च बाय विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली, ठीक है, चुनौती यहाँ पे इसका नाम है, ठीक है, याद रखना। चलो बहुत अच्छी बात। वेरी गुड, जल्दी से जवाब दें इसका, ठीक है, आपके सामने ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, ऑप्शन ऑलरेडी आपके सामने मौजूद है कि चुनौती जो नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज है ये किसने लॉन्च किया था। चलो समय समाप्त हुआ इसलिए आंसर दे देता हूँ, रविशंकर प्रसाद जी ने लॉन्च किया था। और याद रखो, देखो इसका मकसद क्या है, हमेशा याद रखो जब भी आप बात करोगे ना, ये स्टार्टअप मतलब उन संस्थाओं को हम लोग कहते हैं जो अभी अभी मतलब छोटे लेवल पे वो स्टार्ट होती हैं, जैसे पहले ये ओयो वगैरह भी ये लोग उसी लेवल पे थे, छोटे छोटे लेवल पे अपना इन लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो ये स्टार्टअप इनको कहते हैं। आपको मालूम है एक आई डोंट नो बट साउथ साइड में, साउथ इंडियन साइड में जो है वहाँ पे एक दो बंदे हैं, उन दो बंदों ने पानी से चलने वाली गाड़ी बनाई हुई, ठीक है, पानी से, कहने के लिए पानी से चलने वाली है, बट दे यूज टू एक्सट्रैक्ट आउट समथिंग हाइड्रोजन एंड समथिंग लाइक दैट, ये नहीं, बट दे आर ट्राइंग टू मेक कार और व्हीकल दैट वुड रन विद द हेल्प ऑफ वाटर, और एक पता नहीं एल्युमिनियम का कुछ उसमें उन्होंने यूज किया था, ठीक है, तो वो भी एक छोटे से स्टार्टअप के रूप में ही है, और मान लो कल को उनका आइडिया हिट हो जाए, ठीक है, तो वो भी बड़ी कंपनी बन जाएंगे, ठीक है। देखो इस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, इसमें यह कहा गया भैया हम 300 स्टार्टअप्स जो है ना, जो छोटे मोटे स्टार्टअप्स हैं दुनिया के हर भारत के हर कोने में, उनको पहले तो हम पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको जो है उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए 25 लाख रुपए का जो है उनको सीड फंड वहां पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक, और इसके लिए बजट जो है 95.03 करोड़ का बजट रखा गया, और ये सभी कार्यक्रम जो है आने वाले 3 वर्षों तक जो है ये कंटिन्यू किए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो चुनौती लिखा हुआ, ठीक है, चुनौती पढ़ना, टी लिखा है, टी नहीं लिखा है, ठीक है, तो ये चुनौती जो प्रोजेक्ट है इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द साइमल्टेनियस परचेस एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन वर्थ। अब ये कह रहा है कि भैया खुले बाजार संचालन के तहत जो है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करेगा, तो उसका अमाउंट कितना है ये पूछा जा रहा है, 15,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 30,000 करोड़, कितना है भाई, ये ऑप्शन है आपके सामने, यह है भरना है फिल इन द ब्लैंक्स में। ये प्योरली बैंक है, ठीक है, ये प्योरली बैंक है। चलिए, और ये आपका धीरे धीरे समय सीमा यहाँ समाप्त हो गई इसलिए मैं आंसर आपको दे देता हूँ। 3 नंबर है, 20,000 करोड़ है, लेकिन देखो ये इसमें ये मायने ज़्यादा नहीं रखता क्योंकि ये तो आते जाते रहेंगे, मायने रखेगा ये, देखो ये मायने रखेगा, ये आपके लिए मायने रखेगा, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सवाल पूछा जा सकता है, कौन सी कमेटी इसको, किस कमेटी ने इसको बनाई, रिकमेंड किया था, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज कब हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुला कब था, पहले गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, वर्तमान गवर्नर कौन है, ठीक है, तो ऐसे करके आपको जो है सवाल इससे पूछा जा सकता है। और ओपन मार्केट ऑपरेशन जो रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है उसी के अंदर होता है, OMO कहते हैं आप लोग, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखो इसमें होता क्या है, जो सरकारी प्रतिभूति होती है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी,
ठीक है, इसका बाइंग और सेलिंग ये जो एक्टिविटी होती है इसी को ओएमओ कहते हैं। और ये एक्टिविटी करेगा कौन, ये एक्टिविटी करता है आरबीआई, आरबीआई ही ये एक्टिविटी करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब सवाल ये आएगा मन में कि सर ये खरीदेगा कौन, क्यों खरीदेगा? तो देखो कितना बढ़िया एकदम जाल बना रखा है। एसएलआर में बैंकों को कहा गया है, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या कहा गया बैंकों को, बैंकों को कहा गया है कि भैया आप लोगों को एसएलआर मेंटेन करना है और उसमें आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखनी है, कहा गया है ना। तो वो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी हवा से तो आएगी नहीं। अब ये क्या होगा, बैंक इनके पास जाएंगे, भैया भैया हमको भी दे दो। ठीक है, तो ये वाला काम होगा। क्लियर हो गई इतनी बातें? ठीक है, ये ओएमओ मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसके तहत क्या होता है, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, खरीदता कौन है, बैंक खरीदता, बेचता कौन है, बैंक खरीदता, खरीद बिक्री करने वाला संस्था कौन है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कार्यक्रम करता है। ठीक है, क्लियर हो गई। अब देखो जब खरीद बिक्री होगी तो पैसे का भी तो मूवमेंट होगा, तो ये आरबीआई हो गई और ये हम मान लेते हैं मार्केट हो गई, बाजार हो गई। तो जब आरबीआई कोई चीज बेच रहा है, ठीक है, आरबीआई कोई चीज बेच रहा है तो पैसा जो है ना वो उल्टा मूव करेगा, मतलब वो आरबीआई के खजाने में जाएगा। और आरबीआई अगर कोई चीज खरीद रही है तो पैसा जो है आरबीआई से लेकर किधर जाएगा, बाजार की ओर जाएगा। यानी अगर वो खरीदेगा तो पैसा पैसा मार्केट से जो है मार्केट में ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक, अच्छा विवेक कुमार कह रहे हैं यू हैव नॉट क्लियर मी अबाउट शेयर मार्केट। चलो उसके लिए भी किसी दिन फुर्सत लेके जो है ना बढ़िया से उसको हम समझा देंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे आप समझो जब सिक्योरिटीज बेचेंगे तो पैसा आरबीआई की तरफ आ जाएगा और सिक्योरिटी खरीदेंगे तो पैसा आरबीआई से बाजार में चला जाएगा। यानी इससे कहीं ना कहीं बाजार में पैसे की जो मौजूदगी है, तरलता है, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। इन्फ्लेशन पे हमला करने का सबसे पहला हथियार आरबीआई के पास ये होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। क्लियर है, बिल्कुल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में बनी थी, 1949 में जो है इसको नेशनलाइज किया गया था। अप्रैल फूल जिस दिन आप मनाते हो उसी दिन इसका जो है जन्मदिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसको जो बनाने वाली कमेटी, जो रिकमेंड करने वाली कमेटी थी, उसका नाम था हिल्टन एंड यंग कमीशन। ठीक है, हिल्टन एंड यंग कमीशन। ऑसबोर्न स्मिथ साहब पहले गवर्नर थे, सी डी देशमुख साहब जो है इसके पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात है, चलो आगे बढ़ लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे निशात थरंगा परानावितना हैज अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, ही इज रिलेटेड टू विच कंट्री। जल्दी से बताओ भाई, नाम देख के तो आपको जवाब ऐसे ही मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा नाम देख के भी हम लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, इतना लंबा नाम है। गुड क्वेश्चन, अभी कुछ देर में समाप्त हो जाएगा आशुतोष, टेंशन ना लो, तुम एडिटोरियल देख पाओगे इसके बाद। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। तो समय समाप्त हुआ तो इसका हम जवाब दे देते हैं। एक नंबर, श्रीलंका के ये खिलाड़ी हैं। ठीक है, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, इन्होंने कहा बहुत हो गया क्रिकेट, अब नहीं खेलूंगा। ठीक है, अब नहीं खेलूंगा। भारत में जो मेजर रिटायरमेंट्स हुए हैं आपको मालूम है, एमएस धोनी एंड सुरेश रैना जो है ये मेजर रिटायरमेंट भारत के हैं। ठीक है, चलिए। कांग्रेस लीडर एच वसंत कुमार हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच स्टेट। वसंत कुमार साहब का हाल ही में निधन हो गया, जो कि कांग्रेस के एक नेता हुआ करते थे। वो किस राज्य से संबंधित है, अगर आप देखो यहाँ पे ऑप्शन में आपके सामने गोवा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और कर्नाटका, ये नाम आपके सामने ऑप्शन में है, तो ये किस राज्य से संबंधित है। पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल पार्टी भी क्लियर है, लेकिन राज्य कौन सा है, किस राज्य से ये स्थित है। और यही अगर जानते हो, यही अगर अगर और आप देखोगे तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही एक तरीके का स्टेट वाइज अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और नॉर्मली भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो कंपटीशन बहुत है, तैयारी हर बच्चा कर रहा है, सब तैयार बैठे हुए हैं, तो एग्जामिनर को भी क्वेश्चन ऐसे पूछने पड़ते हैं जो हम लोग उम्मीद ना करें, जो हम लोग छोड़ दें। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। यहाँ पे समय इसका समाप्त हुआ तो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, इज रिलेटेड टू तमिलनाडु। ठीक है, ही इज रिलेटेड टू तमिलनाडु, बसंत कुमार। ठीक है, ही इज रिलेटेड टू बसंत कुमार, बसंत कुमार साहब जो है यहाँ पे अगर हम लोग देखें। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए तो यहाँ पे हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग यहाँ बढ़ते हैं। ठीक है, ये साथ ही साथ बिजनेसमैन भी हुआ करते थे, पॉलिटिशियन है ना, लेकिन साथ ही साथ ये बिजनेसमैन भी हुआ करते थे। और बसंत एंड कंपनी करके जो है इनकी बिजनेस, होम अप्लायंस की ये कंपनी भी चला करती थी। ठीक है, और ये मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे, एक तमिल सेटेलाइट टीवी चैनल चलता था, बसंत टीवी। ठीक है, तो जो तमिलनाडु को इसमें कनेक्ट होंगे, ऑल दोज पीपल हु आर फ्रॉम तमिलनाडु एंड कनेक्टेड टू दिस शो मस्ट बी नोइंग हिम वेल, मस्ट बी नोइंग हिम
फीमेल, ठीक है। तो ये यहाँ पे याद रखिएगा, बसंत कुमार साहब जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना कि ये बिजनेसमैन भी हुआ करते थे और इनकी एक टीवी चैनल भी चला करती थी, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। तमिलनाडु की बात करें तो कोई खास बात बताइए, तमिलनाडु में क्या क्या है भाई? तमिलनाडु की बात करें तो हाल ही में क्या कोई स्कीम आई वगैरह वगैरह, ठीक है। मीनाक्षी टेम्पल, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऐसे और शेयर करते रहें, एक एक जानकारी हर लोग शेयर करेंगे तो आप सोचो कितनी जानकारी हो जाएगी। अभी 300 लोग हैं, 300 जानकारियाँ हो जाएगी, फिर आपको कहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। हेल्प इच अदर आउट ऑलवेज, ठीक है, वेरी गुड। चेन्नई है, बहुत सही, बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया। चलिए आगे बढ़े, बहुत सही। भरतनाट्यम, अम्मा कैंटीन, अब आ रहे हो तुम लोग लाइन पे सीधे, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, पतांडू फेस्टिवल, वेरी गुड। मधुमलाई, विवेकानंद रूक मेमोरियल, रंगनाथन स्वामी टेम्पल, ये देखो सब देना शुरू कर दिया, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ये सब, मतलब यही हमको था कि आप लोग थोड़ा सा कुछ एक्टिविटी करो। चलो आगे देख लेते हैं, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज कमीशन द फर्स्ट एवर मरीन एम्बुलेंस नेम्ड प्रतीक्षा, ठीक है। देखो मरीन एम्बुलेंस मतलब जान रहे हो, मरीन एम्बुलेंस मतलब वो होती है जो पानी की जहाज टाइप की एम्बुलेंस होती है, ठीक है, उसको कहते हैं मरीन एम्बुलेंस, ठीक है। तो उन्होंने प्रतीक्षा नाम का एक मरीन एम्बुलेंस लॉन्च किया, किसने? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरल, ये सभी लोगों के किनारे में समुंदर है, तो कोई भी इसमें से लॉन्च कर सकता है भाई। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है, ओके। चलिए बहुत अच्छी बात है, एकदम 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 यहां पे जवाब बिल्कुल दें। यहां देखिए समय आपका समाप्त हुआ, इसलिए मैं जवाब आपको दे देता हूं। देखो प्रतीक्षा ही नहीं और भी लॉन्च किया गया था, ठीक है, पांच नंबर आंसर है केरल में। देखो प्रतीक्षा नाम का जो एम्बुलेंस है, वाटर एम्बुलेंस आप कह सकते हो, ठीक है, बोट एम्बुलेंस कह सकते हो, मरीन एम्बुलेंस इसीलिए नाम लिया गया। प्रतीक्षा नाम का ये जो बोट एम्बुलेंस या मरीन एम्बुलेंस है, इसको जो है विजिंगम विलेज तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया केरल के, ठीक है। और 6.8 करोड़, मतलब 6.8 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ तब जाके ये एम्बुलेंस बना है। और इसके अलावा एक प्रत्याशा नाम का है जो अर्नाकुलम में लॉन्च किया गया, और करुणिया नाम का था जो कोड़ीकोड में लॉन्च किया गया। केरल की कैपिटल की बात करेंगे, तिरुवनंतपुरम आपको मालूम ही है, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, ठीक है, और गवर्नर जो है आरिफ मोहम्मद खान साहब वहाँ पे हैं, ठीक है। और लेगून अगर आप बात करो तो लेगून्स वहाँ पे मिलते हैं ना, नारियल के पेड़ के अलावा जो है ना वहाँ पे लगून्स मिलते हैं। लगून्स क्या होते हैं? बैक वाटर होते हैं, जैसे समंदर का पानी जो है इनलैंड जब आने लगता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लगून के रूप में जानते हैं। और जानते हो ये बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट होता है, इसमें जो जैसे डल झील है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे हाउस बोट्स मिल जाएंगे आपको, यहाँ भी मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ना अपने बोट पे ही एटीएम लगा रखा, ठीक है, बोट पे ही इन्होंने एटीएम लगा रखा है एकदम, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। बिल्कुल, ये टोटल शिप्स जो हैं, टोटल मरीन एम्बुलेंस जो है यहाँ पे लॉन्च की थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, एवरी ईयर नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 29 अगस्त ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, किसके जन्मदिवस पे ये मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर विधन चंद्र रॉय या मेजर ध्यानचंद, ठीक है। तो हॉकी यहाँ पे जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, ठीक है, और नाम में आपके सामने प्राइम मिनिस्टर आपको दिख रहे हैं, फिलोसोफर आपको दिख रहे हैं, हॉकी प्लेयर आपको दिख रहे हैं, इतने लोगों का नाम आपके सामने आ रहा है, तो जल्दी से बताओ भाई इसमें से सही जवाब कौन सा होगा। चलिए सही जवाब जो है यहाँ पे मेजर ध्यानचंद है, ठीक है, जो हॉकी प्लेयर यहाँ पे आपके सामने हैं उनका है, क्योंकि हॉकी एंड स्पोर्ट्स उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इनका जन्मदिवस के रूप में जो मनाया जाता है। और आपको मालूम है एक बार, जानते हो क्या हुआ था, एक बार नीदरलैंड में ये खेलने गए थे ना, तो इनका जो हॉकी स्टिक थी ना उसको तोड़ दिया वहाँ के जो वो लोग थे चेक करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं इसके हॉकी में कुछ ऐसा है, इसके हॉकी स्टिक में कुछ ऐसा है जो बॉल को चिपका लेता,
तो इनकी हॉकी स्टिक जो है उनको तोड़ दिया गया, ठीक है। लेकिन हॉकी स्टिक में कला थोड़ी ना थी यार, कला तो उस हाथ में थी जो उस हॉकी स्टिक को घुमा रहा था, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद को जो है विजर्ड ऑफ हॉकी मतलब जादूगर, हॉकी का जादूगर भी इनको कहा जाता है, ठीक है, हॉकी का जादूगर भी इनको कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। और इनके इनके फैन जो है ऑल अराउंड सब अच्छे बुरे सभी लोग जो है इनके फैन हुआ करते थे, ठीक है, इंक्लूडिंग हिटलर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द रिपोर्ट COVID-19 आर चिल्ड्रन एबल टू कंटिन्यू लर्निंग ड्यूरिंग स्कूल क्लोजर, ठीक है। तो हाल ही में किस संगठन ने रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक है COVID-19 आर चिल्ड्रन एबल टू लर्न कंटिन्यू लर्निंग ड्यूरिंग स्कूल क्लोजर। अब ऑप्शन में आपके सामने बड़े बड़े नाम हैं जिसमें से पहला नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दूसरा नाम है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड, चौथा नाम है आपके सामने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और पांचवा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये इतने नाम आपके सामने हैं यहाँ पे, तो जल्दी से बताओ भाई कि इसमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट आपके सामने लाई है, ठीक है, कि क्या बच्चे जो हैं इस कोरोना काल में भी पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहला नाम तो वही है जिसके ऊपर बार बार इल्ज़ाम लग रहा है कि तुम चाइना का साथ दे रहे थे, ठीक है। चलो जल्दी जवाब दे दो। और यहाँ पे क्योंकि आपका समय सीमा जो है समाप्त होता है तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो सही जवाब है वो है आपका, ठीक है, सही जवाब जो है वो है आपका दो नंबर, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका वियना में है और हेड है ली योंग, ठीक है, ली योंग 1966 में ये बना था। चलो तो अगला सवाल आपके सामने, नेम द वेस्ट इंडीज ऑलराउंडर क्रिकेटर हु बिकम द फर्स्ट बॉलर इन क्रिकेट टू स्कैल 500 विकेट इन 2020 में 500 विकेट लेने वाले वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी का नाम बताएं। रॉस टेलर, ड्वेन जॉन ब्रावो, बाबर आजम, डैरन स्वामी एंड जेम्स एंडरसन। ये तो वैसे भी आप आंसर दे लोगे अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं, क्रिकेट देखते हैं तो, और क्रिकेट नहीं देखते हैं तब तो फिर छोड़ो, तब तो ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है आपके लिए। चलो जल्दी से बताओ भाई। चलिए समय क्योंकि आपका समाप्त होता है 25 सेकंड का, ठीक है, दो नंबर यहाँ पे आंसर है और इन्होंने जो है हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। तांबले साहब ने भी रिकॉर्ड तोड़ा भाई, ठीक है, उन्होंने भी पहले इंडियन बन गए वो यहाँ पे खेलने वाले, ठीक है, कैरेबियन ओपन, अभी कैरेबियन जो आईपीएल जैसे हमारे यहाँ चलता है वहाँ पे सीपीएल चल रहा, ठीक है। चलो तो ये इतनी चीज़ें जो थी वो आपके सामने आज शेयर हुई, इतनी चीज़ों में आपको बहुत सी चीज़ें लर्न करने को भी मिली होंगी, बहुत सी चीज़ें आपको नई सुनने को भी मिली होंगी, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को जो है आप लोग सीखते रहें हमेशा, ठीक है, हमेशा सीखते रहें, और कभी भी कोई भी चीज़ आए तो उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लो कि बैकग्राउंड में क्या है, आगे क्या है, ठीक है, हमेशा इस नियत से कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उसमें ये सवाल पूछेगा, ऐसे करके जब पढ़ोगे ना तो आपको भारी नहीं लगेगा। हमेशा एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछो, एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसे पूछो, मान लो ड्वेन जॉनसन है तो इनका देश कौन सा है, किस खेल से संबंधित है, ऐसे करके सवाल आ सकता है। हो सकता है क्रिकेट की आप बात करो ना, तो ये सही है कि इंडिया में बहुत क्रिकेट फेमस हुआ करता था, अब धीरे धीरे क्रेज कम हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, बाकी गेम्स भी आगे आ रहे हैं, ठीक है, तो कई लोगों को तो मालूम ही नहीं कि ड्वेन जॉनसन है कौन, ठीक है, तो ये भी समझो ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, और इसमें चौंकने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे हम लोग को नहीं मालूम है बास्केटबॉल खिलाड़ी भारत में अच्छे वाले कौन है, फुटबॉल खिलाड़ी कौन है, ठीक है, तो ऐसे ही क्रिकेट की भी जानकारी लोगों के पास नहीं है। तो हर न्यूज़ को जब आप देखो तो हमेशा उसके आगे पीछे थोड़ी सी न्यूज़ अगर आप ध्यान दे दोगे तो आपका जो है एक तरीके से कल्याण हो जाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द सेशन, सेशन में आने के लिए शुक्रिया, जल्दी जाइए, एडिटोरियल की क्लास शुरू हो चुकी है, ठीक है, और एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर दें। चलो थैंक यू वेरी मच, विल सी यू अप टुमारो, टुमारो मिलेंगे, कल मिलेंगे, ठीक है, चलो ओके।